नेक्स्ट स्पीकर इज प्रोफेसर मनोज झा। प्रोफेसर मनोज झा। शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। कोई भाषण की शक्ल में नहीं है, एक शोक संतप्त गणतंत्र के एक अदना नागरिक समझिए या एक जन प्रतिनिधि समझिए, उसकी ओर से कुछ बातें कही जा रही हैं। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे, संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी, मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी, किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। सर दूसरी चीज, मैंने कई कल सेक्रेटरी जनरल साहब से ही बात करने की कोशिश की, बाकी जगह भी, किसी दो सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से, रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ, अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में, जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं, ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे, लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पिछा देगा, 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3, हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब, हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है, हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने, मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं, सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेमडेसिविर, मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा, ये हालत। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं, थैंक यू फलाना साहब चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी, नहीं प्लीज 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 आई डोंट वांट माय टाइम, मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना, एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, नहीं साहब कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। सर मैं इससे पहले की कुछ और बातें कहूं, मेरे पास अभी वक्त है। सर इस कोरोना को मैं भी मानता हूं, मेरे पूर्व के वक्ता कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें नए नए कानून की हो रही है, राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंतु नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए, किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का, करना नहीं चाहते। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए, पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में, राइट टू लाइफ राइट टू वर्क पर लेजिस्लेशन लाइए, ताकि कोई आपदा आए, अभी तो हमारे लीडर ऑफ हाउस नहीं है, नए नए बने हैं, उनसे मैं कहता जब वो रेल मंत्री थे
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया। इसी कोरोना काल में मैंने लगातार आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा। अगर आप सांसद की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे अदना संविदा वाले नौकरी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर। एक और अद्भुत चीज हुई इसी कोरोना के दौरान, माननीय उपसभापति महोदय, जब हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, यह हाहाकार जब मचा हुआ था उस दौर में सर कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारद थी। वो डेढ़ महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूंगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ, इस भौकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सर बस एक मिनट और लूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था सर, एक खत मैंने मृतात्माओं के नाम लिखा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, बेबसी में एक खत लिखा, जो लोग इस दुनिया से चले गए उसमें कुछ मैंने सलाह दी थी सर सरकार से। और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया, अरे साहब ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है, अगर वो सिस्टम फेल किया है चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल गई, सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि तो यही वो सिस्टम बनाते हैं। धन्यवाद। और बस आखिरी टिप्पणी करने दीजिए प्रोफेसर, धन्यवाद, आपको ज्यादा टाइम दे चुका हूं मैंने सर, बस 10 सेकंड लूंगा। आज जय हिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है। मैं सिर्फ इतना आपको आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने एक शिकायत नहीं की सर, किसी से नहीं, किससे शिकायत करेंगे, आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें सर, जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए, हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कष्ट पहुंचाओ, मैं उन्हीं लाखों लोगों की धन्यवाद डेड बॉडी के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूं। जय हिंद।